कितने सारे तोड़ लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करने लगी हूँ अपनी सिस्टर के घर से। अभी मैं उनकी तरफ आई हुई थी तो साथ साथ आपको उनका थोड़ा थोड़ा सा होम टूर भी दे दूँगी और साथ साथ जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। तो अभी सबसे पहले जी मैं आ चुकी हूँ, सबसे पहले चलते हैं किचन में क्योंकि किचन बिल्कुल ही एंट्रेंस में ही है। जैसे ही एंटर होता है ना एंट्रेंस में ही किचन है, तो सबसे पहले चलते हैं कि देखते हैं क्या क्या बना है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ अभी तक, तो बस फिर अंदर चलते हैं, फिर अंदर जाके बातें शातें करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरा चैनल मस्ट सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। और आप मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा, अगर आप न्यू हैं तो आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी, इंटरेस्टिंग होंगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले बच्चों के रूम में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह जी एहतशाम जो है वो शरारतों पे लगे हैं। एहतशाम इज़ माई नेफ्यू एंड ही इज़ वेरी वेरी नॉटी बॉय। और यहाँ पे आ गए हैं जी हम एहतशाम के रूम में और ये माशाल्लाह जी बच्चों का रूम है। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा मैं इसका भी टूर दे दूँ। अच्छा, यहाँ पे ये मेरी नीज़ और नेफ्यू दोनों ही इस रूम में होते हैं और यहाँ पर इनकी ये स्टडी टेबल्स हैं, स्टडी टेबल रखी हुई है और यहाँ पे ये जी पढ़ते भी हैं। ये इनका बेड है, डबल बेड है, साथ में सोफ़ा कम बेड है। तो बस ये छोटा सा एक इन बच्चों का होम टूर था, तो बाकी डिटेल से मैं नहीं दे रही। तो बस ये है कि मैं साथ साथ आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा विज़िट करा रही हूँ। और अब मैं आ गई हूँ टीवी लाउंज में और टीवी लाउंज में जी इस तरफ से ये डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं, साथ में ये मिरर लगा हुआ है डेकोरेशन के लिए। और इस तरफ बेडरूम्स हैं, टू बेडरूम है इसमें, और उस साइड पे फ्रिज है और साथ में जी एल शेप सोफ़ा रखा हुआ है। और इस तरफ है जी बेडरूम, और एक बेडरूम इस तरफ है और मास्टर बेडरूम कह सकते हैं। और सेकंड बेडरूम जो है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है जी सेकंड बेडरूम। और अभी मैं आ गई हूँ टीवी लाउंज में और आते साथ ही मैंने अपना व्लॉग लगा दिया है एलईडी पे। और यहाँ पे मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि सब कुछ क्लियर और इतना बड़ा बड़ा। अच्छा, रिसेंटली अभी मैंने शक्शुका एग की रेसिपी शेयर की थी अपने चैनल पर, तो अभी मैं उसको देख रही थी कि यहाँ पर किस तरह से लग रहा है। आज
तो भी जैसे ही वहाँ से उठे हम तो हम आ गए थे बच्चों की कटिंग कराने के लिए। बच्चों के बाल ना काफ़ी बड़े बड़े से हो गए थे तो बस अभी कटिंग कराते हैं इनकी। ओके ओके ओके, रहने दे सर, नहीं रोता। देखो सामने साथ पीछे दो बेटा। तो बस वहाँ से हम फ्री होके आ गए थे बच्चों के ताया जान की तरफ। तो यहाँ पे जी हम खाने लगे भी खाना, और यहाँ पे आलू अंडे का सालन बना हुआ था। तो फिर हमने ही फरमाइश की कि हमें साथ में पराठे बना दें, लेकिन है नाइट टाइम, लेकिन अच्छे मज़ेदार बनाती हैं भाभी। तो यहाँ पे जी पराठे हैं और साथ में आलू अंडे का सालन है। और अभी हम आ गए हैं जी ग्रॉसरी करने के लिए। जैसे ही हम वहाँ से उठे थे ना तो यहाँ घर आने के लिए आए थे, तो हमने सोचा कि अब ग्रॉसरी भी करते जाएं। साथ में थोड़ी सी चीज़ें ख़त्म हुई थी। बस इस तरह से आज पूरा दिन ऐसे ही स्पेंड हुआ, मतलब कभी किसके घर, कभी किसके घर, कभी कौन सा काम। तो सारे दिन ना हमने आज काम ख़त्म किए अपने, और क्योंकि बच्चों को भी छुट्टियाँ हैं सबकी, इलेक्शन की वजह से, वोट की वजह से सबको छुट्टी है। तो बस आप लोगों ने भी ज़रूर वोट देना है भाई, और वोट देना है जी इमरान खान को, खान साहब का ज़रूर वोट देना है। और ये देखे जी इतने ज़्यादा प्राइस कम हो गए हैं जूसेस के, और नेस्ले वालों ने कर दिए हैं, कोका कोला भी इतने ज़्यादा कम प्राइस हो गए क्योंकि कोई अब लेता ही नहीं है ना, फुल बायकॉट किया हुआ है सब ने, तो हर कोई नेक्स्ट कोला लेता है। तो ये इसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा है, बस अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करें। और अब है जी नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मैं अभी व्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ जी। शाम के तकरीबन 4 बज रहे थे और अभी हम छत पे आए हुए थे अमरूद तोड़ने के लिए। और ये देखें माशाल्लाह इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने हमें अता की है, घर में ही अमरूद के दरख्त हैं लेकिन हम लोग बिल्कुल भी नहीं तोड़ते। लेकिन आज हमने सोचा कि चलते हैं अच्छे अच्छे से फ्रेश वहाँ से तोड़ते हैं और फिर मसाला वगैरह लगा के बैठ के खाते हैं। वो देखो वहाँ पे भी है, हाँ, वहाँ से भी तोड़े हो, लेकिन वो हमसे दूर है, वहाँ से कैसे तोड़े। आ जाएगा, हमने वहीं से तोड़ा अभी। कम हियर, ओहो, एक सेकंड छोड़, एक सेकंड, एक सेकंड, ये खड़े हुए हैं ये। घर में इतनी बड़ी नेमत है माशाल्लाह, और हम लोग अमरूद तोड़ते ही नहीं है। इतने सारे तोड़ लिए, वाओ। इसमें डालो बस, और भी तोड़ते हैं, इतने सारे लोग हैं हम लोग, ये काफी नहीं होंगे, और भी तोड़ते हैं। जगह कितनी सारी साफ सुथरी हो गई है। अच्छा ये इतना प्यारा लग रहा है, नीचे साफ सुथरा हो गया। हाँ हाँ, और कहाँ पे? बस और बाकी नीचे हैं बहुत। यार ऊपर शायद लगा हुआ यार, लेकिन यार ये तो बहुत छोटे हैं ना। चुप करिए, देख बड़ा, ये भी तो वो मेरे बाजू में है। वहाँ पे हाँ, वहाँ सारे बड़े बड़े खड़े हैं उस साइड पे। चलो बस, लोग गंजा कर दिया है। ये बाजू का हाल हो गया, इसी वजह से तो हम तोड़ते नहीं है। ये कितने, मेरी बात सुनो, ये पत्ते कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत प्यारे माशाल्लाह माशाल्लाह।
दाल मुँह लिखो ना, नहीं नहीं जो सिर्फ दाल होती है ना, हाँ ये दे दो, मैम तोड़ कर आइए, दो नहीं तीन लें, बल्कि मैं दो खाऊंगी, सारी ले लूँगी और ये नहीं जंगल बॉस चलो निकालो, सिक्के हैं हमारे पास बहुत ज्यादा, और देख भाई डब्ल्यू 300 के देगा, चार ले आओ, चार नहीं होंगे पता है, बाकी नहीं दे दे, इतने नहीं, कितने हुए पैसे, ये तो गिने हैं, अच्छा ये पहले ये सिक्के गिने, इससे पूरे होते हैं, अच्छा कॉइन्स इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं कि पर्स पूरा भर जाता है, तो हम लोगों ने इसको जमा किया, जिस जिस के पर्स में कॉइन्स थे हमने सब के जमा किए, और जी हम चले गए चीज़ लेने के लिए, तो हमने यहाँ से चीज़ ली, और फिर साथ ही हमारी सोसाइटी में पार्क है, तो वहीं पार्क में बैठ के हमने चीज़ भी इंजॉय की, थोड़ी सी सर्दी इंजॉय की, तो बस आज का दिन ना बहुत ही अच्छा स्पेंड हुआ, कोरिया में मस्जिद बनाने के लिए, हाँ तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग, आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरा चैनल भी मस्ट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंशाल्लाह अब मैं मिलूँगी एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।